सो वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइए अब शुरू करते हैं डिराक डेल्टा पोटेंशियल। कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास एम इन द पोटेंशियल। तो देखिए डिराक डेल्टा पोटेंशियल, आपके पास डेल्टा फंक्शन आपने पढ़ाई होगा, तो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स, ठीक है, जिसमें कि आपके पास वी एक पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो एंड रियल कॉन्स्टेंट। तो देखिए आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये पोटेंशियल डिफाइन है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर दो केस डिस्कस करेंगे, ई लेस देन जीरो और ई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफाइन कर रखा है एट एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, पोटेंशियल इज जीरो, ओके। तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन के साथ लाइन कर रहा है पोटेंशियल, और एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपके पास पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी है, तो इस बात का ध्यान रहे। आगे चलते हैं, अब हम ई लेस देन जीरो के लिए केस डिफाइन करते हैं। देखिए वही आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई बाय एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर पोटेंशियल भी है ई माइनस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर केस ले रहे हैं एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है, मतलब कि वो पोटेंशियल अभी ले नहीं ले रहे हम, ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल जो आपके पास इन्फिनिटी है वो हम केस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या रह जाएगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई बाय एच का स्क्वायर, साई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ओके। अब आगे, अब मैंने आपको यूँ कहा था कि अगर आपके पास के स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो साई आपके पास क्या आएगा, ए ई टू द पावर आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, ठीक है, ये चीज़ आती है आपके पास। पर यहाँ आपके पास देखिए एनर्जी ही नेगेटिव है, ई लेस देन जीरो का केस ले रहे हैं ना, ठीक है। अब ई लेस देन जीरो का केस ले रहे हैं तो आपके पास एनर्जी ही नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर माइनस टू एम ई बाय एच का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अब तो ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि एक तो ई का नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव है, ठीक है, तो अब ये आपके पास बन के पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए इसकी वजह से श्रोडिंगर इक्वेशन में भी चेंजेस आएंगे, जो आपके पास पहले था डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर टू एम ई बाय एच का स्क्वायर साई एक्स, तो उसको अब हम क्या लिखेंगे, माइनस के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर साई हो जाएगा वो, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेव फंक्शन बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, इस बार वो आइडा टर्म्स में नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं बनेगा, आपके पास सिंपल बनेगा, ठीक है, डिकेइंग टाइप का बनेगा, ठीक है, ना कि प्लेन वेव बनेगा। तो साई वन ए ई टू द पावर के वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस के एक्स, और यही आपके पास दूसरे रीजन बनेगा। दूसरा रीजन कौन सा कह रहा हूँ मैं इधर, देखिए एक तो आपके पास ये वन रीजन है, दूसरा सेकंड रीजन है, दोनों में ही आपके पास सेम वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है, दोनों में ही आपके पास डिकेइंग फंक्शन बनेगा। अब देखिए जो आपके पास लेफ्ट में है फर्स्ट रीजन, उसमें आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में आपके पास कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, और इधर जो राइट में आपके पास जीरो से इन्फिनिटी तक आपके पास कौन सा फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, तो उसकी कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन चाहिए। अब देखिए जो आपके पास फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन है साई वन ए ई टू द पावर के वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस के एक्स, तो देखिए इसमें आपके पास लेस देन जीरो, आपके पास माइनस इन्फिनिटी पर आपके पास कौन सा वेव फंक्शन जीरो बन जाएगा, बी वाला, ठीक है, बी ई टू द पावर माइनस के एक्स वाला फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आपके पास साई वन में क्या फंक्शन रह जाएगा, साई वन में आपके पास ए ई टू द पावर के एक्स रह जाएगा। देखिए मैं लिख भी रखा है एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी बी ई टू द पावर माइनस के एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स साई इन्फिनिटी विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो दैट मीन्स बी मस्ट बी जीरो, ओके, फॉर साई टू बी फाइनाइट, तो साई वन विल कम्स आउट टू बी ए ई टू द पावर के एक्स। तो ऐसे ही हम दूसरे में देख लेते हैं, दूसरा आपके पास बनता था सी ई टू द पावर के एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस के एक्स, ये आपके पास एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में आपके पास कौन सा इसमें वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सी वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास ये वेव फंक्शन इन्फिनिट बनेगा जो कि अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी ई टू द पावर के एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सो डी ई टू द पावर माइनस के एक्स टेंड्स टू जीरो, तो आपके पास यहाँ पर सी जीरो होगा और आपके पास वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, डी ई टू द पावर माइनस के एक्स। तो अब आपके पास वेव फंक्शन क्या बच गया, ए ई टू द पावर के एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड डी ई टू द पावर माइनस के एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अब देखिए हम यूं भी कहते हैं कि आपके पास एट द बाउंड्री साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है, तो आपके पास कंटिन्यूअस होने के लिए एट एक्स इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल जीरो हमारे पास क्या बाउंड्री है, तो आप दोनों वेव फंक्शन को देख लीजिए एक्सेप्टेबल की कंडीशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ से हमको कंडीशन निकल के आती है ए इक्वल टू डी, तो ए इक्वल टू डी हमारे पास पहली कंडीशन आ गई है, ठीक है, मीन्स टू से जो हम कॉन्स्टेंट्स ए और डी लेकर चल रहे थे साई ऑफ एक्स में वो आपके पास दोनों ही बराबर होंगे एट द बाउंड्री, ठीक है, सो इक्वल टू डी, सो हम इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं इसमें के अंदर, सो एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो हम पूरा एग्रीगेटेड वेव फंक्शन कह सकते हैं ए ई टू द पावर माइनस के मॉड एक्स, ओके, तो पार्टिकल आपके पास ये बाउंड स्टेट में होगा क्योंकि आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, ये आपके पास जीरो हो रहा है वेव फंक्शन, तो हम कहेंगे ये पार्टिकल इज इन बाउंड स्टेट इन द डिराक डेल्टा पोटेंशियल फॉर द अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल, ओके, सो एज एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी साई टेंड्स टू जीरो विच शोज अस दैट दिस इज अ बाउंड स्टेट। तो देखिए हम जानते हैं कि आपके पास बाउंड्री पे क्या है, बाउंड्री पे आपके पास डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, तो बाउंड्री पे आपके पास डिराक डेल्टा पोटेंशियल है तो आपके पास पोटेंशियल कंटिन्यूअस नहीं है वो, ठीक है, वो आपको डिसकंटिन्यूअस नेचर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिख रखी है, इफ वी इज फाइनाइट तो आपके पास कल साई ऑफ एक्स कल साई ऑफ कल वाई कल साई ऑफ कल जेड ये आपके पास क्या होंगे, मस्ट बी कंटिन्यूअस, पर अगर आपके पास वी इनफाइनाइट होगा तो आपके पास ये तीनों ही क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगर डिसकंटिन्यूस होंगे चलो, ठीक है, तो आपके पास डिसकंटिन्यूटी कितनी आएगी, हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो डी साई वन ओवर डी एक्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट द बाउंड्री वेयर द डिराक डेल्टा पोटेंशियल एक्जिस्ट, ओके, तो वहाँ पर आपके पास ये नॉट इक्वल्स टू डी साई टू ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके। नाउ वी वांट टू नो द अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट द बाउंड्री, ओके, हम फिर से यहाँ पर हमारी क्या श्रोडिंगर इक्वेशन उठाएंगे, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाय एच का स्क्वायर
पोटेंशियल, क्योंकि हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ई प्लस वी नॉट डेल एक्स साई ऑफ एक्स। देखिए अब यहाँ पर मैं डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के बीच में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जहाँ पर कि आपके पास एप्सिलॉन टेंस टू जीरो है, लास्ट में हम एप्सिलॉन टेंस टू जीरो कर देंगे, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पर बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, टेंस टू जीरो है वो, तो यहाँ पर हम उसको जीरो कर देंगे और बाउंड्री पे हम डिसकंटिन्यूटी फिर एंड में चेक कर लेंगे। देखिए आप फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए dψ/dx आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसकी लिमिट्स आपके पास माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। आप नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2mE/h², ये मैंने अलग कर लिया, और नीचे आपके पास 2mV0/h², ψ(Δx)dx=0, ओके। तो आपके पास ये इंटीग्रेशन बन गया। देखिए जो फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिमिट्स मैंने पुट कर दी है, dψ(dx)(x=ε एंड -dψ(dx)(x=−ε +2mE/h², तो 2mE/h² जो टर्म है आपके पास वो तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर ले लिया, ψ(dx)−ε2+ε। तो ψ तो आपके पास बाउंड्री पे कंटिन्यूस है ना, तो आपके पास अगर वो बाउंड्री पे कंटिन्यूस है तो आप -ε2+ε के बीच में ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म तो हम जीरो कर देते हैं, और जो नेक्स्ट आपके पास टर्म है 2mV0/h², उसमें से मैंने बाहर कॉमन ले लिया 2mV0/h², वापस से वो चीज़ कांस्टेंट है। तो ψ(Δx)dx आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट -ε2+ε। देखिए ये आपके पास क्या आएगी, ये हमने यहाँ पर ड्राग डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा दी है। अब देखिए जो आपके पास फर्स्ट लिमिट आप लगाएंगे x+ε मतलब कि आपके पास वेव फंक्शन हम कौन सा उठाएंगे, ψ2, दूसरे रीजन का वेव फंक्शन उठाएंगे ना, तो हम नीचे लिख देंगे dψ2/dx(x=+ε। और यहाँ पर आपके पास x=−ε, तो यहाँ पर हम वेव फंक्शन उठाएंगे फर्स्ट रीजन का, क्योंकि आपके पास ये जीरो से लेस में जा रहा है, तो dψ1/dx(x=−ε। अब दूसरी क्वांटिटी पर आइए 2mE/h², लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, तो आपके पास इसके अंदर 2mE/h² मैंने बाहर ले लिया, जो आपके पास ψ(dx) है, ठीक है, -ε2+ε। देखिए ψ तो आपके पास कंटिन्यूस है, अगर ψ आपके पास कंटिन्यूस है फिर आप उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट करें सिमेट्रिक लिमिट के अराउंड, ठीक है। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ψ आपके पास कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वांटिटी पर देखें हम, थर्ड क्वांटिटी 2mV0/h² मैंने बाहर ले लिया, और थर्ड आपके पास क्या बन रही है, ड्राग डेल्टा की बन रही है, ठीक है, ड्राग डेल्टा की आपके पास बन रही है, तो साई ऑफ जीरो रह जाएगा सिर्फ ड्राग डेल्टा की प्रॉपर्टी की वजह से, जो क्योंकि इसकी लिमिट जो हमारे पास -ε2+ε है, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने ड्राग डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज़ की है थर्ड पार्ट में, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2mV0/h² साई ऑफ जीरो, ओके। तो आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे पास ये dψ2/dx है, dψ1/dx है, तो dψ1 हमें पता है, साइवन हमें पता है, साइटू हमें पता है, ठीक है। तो साइवन और साइटू का डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, साइवन आपके पास है ae to the power kx, साइटू आपके पास है ae to the power -kx, ठीक है। तो दोनों का आपके पास क्या कर दीजिए आप, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास इतना आ जाएगा, और उसमें आप ये प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से -2ka = -2mv0a/h² आ जाएगा। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k = mv0/h², ठीक है, और k हम पहले भी निकाल कर आए हैं, ठीक है, k² कितना था हमारे पास -2mE/h², यहाँ से e की वैल्यू कितनी आएगी -k²h²/2m। तो इवेंचुअली अगर हम k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें हम यहाँ पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा एग्रीगेट, ये e = -h²m²v02m²h⁴। यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करने के बाद e की जो वैल्यू आएगी आपके पास e = -mv02h², जो कि आपके पास ये सिंगल वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी की ये सिंगल वैल्यू है। सो फॉर द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो ae to the power kx x greater than equals to 0, ae to the power -kx, as x tends to ±∞, psi tends to 0, the psi is finite, there is only one bound state, and have the binding energy mv0² / 2h², ठीक है। तो आपके पास जो वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स ae to the power -k mod x, अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फाइंड करने का वक्त आ गया, हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन फाइंड करने का क्या तरीका है, mod ψ²dx −∞+∞=1, ओके। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए e to the power -2k mod x dx, क्योंकि इवन वेव फंक्शन है, तो हमें जीरो से फाइनाइट के लिए, जीरो से इनफिनिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट तोड़ लेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और आपके पास एक वैल्यू आएगी √k, ओके। तो वेव फंक्शन जो हमारे पास आ गया √k e to the power -k mod x। अब चलते दूसरे केस की तरफ, e greater than 0 है, देखिए आपके पास अब हमारे पास एनर्जी जो है पॉजिटिव रहेगी, तो इस बार हमारे पास k की वैल्यू क्या बन सकती है, पॉजिटिव बन सकती है, और अगर k की वैल्यू पॉजिटिव बन सकती है हमारे पास, तो हम इस बार क्या लिखेंगे, e to the power -ikx + be to the power -ikx, ठीक है। तो हम वो वेव फंक्शन अब नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, तो साइन इंसिडेंट साइन रिफ्लेक्टेड को शो कर रहा है, ऐसी सेकंड पार्ट में वेव फंक्शन आपके पास क्या आएगा, c e to the power ikx + d e to the power -ikx। सेकंड रीजन में आपके पास क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज नो बाउंड्री इन सेकंड रीजन, तो इसमें आपके पास d जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास साई सेकंड वेव फंक्शन जो रह जाएगा वो c e to the power ikx ही रह जाएगा, साई ट्रांसमिटेड रह जाएगा। अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी निकाल लेते हैं, जे इंसिडेंट आपके पास कितना है, ae to the power ikx, तो यहाँ पर आपके पास mod a² और h²k/m, तो लिख दिया मैंने, ऐसे ही आप जे रेफ और जे टी आर निकाल लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपके पास क्या है, जे रिफ्लेक्टेड ओवर जे इंसिडेंट, ओके। तो ये आपके पास रेशियो कितना है, b/a, ठीक है। ऐसे ही हम
ट्रांसमिशन कॉफिशेंट निकाल लेते हैं। ट्रांसमिशन कॉफिशेंट जे टी आर ओवर जे इंसिडेंट, तो सी बाई ए मॉड स्क्वेयर। तो जो आपके पास ये दो रिलेशन आए हैं, रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट, तो इनकी असल में वैल्यूज जानने के लिए हम बी बाई ए और सी बाई ए निकालते हैं थ्रू द बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन आपके पास वेव फंक्शन एट द बाउंड्री मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो साई वन ऑफ एक्स एंड साई टू ऑफ एक्स इज बोथ आर इक्वल एट बाउंड्री विच गिव्स अस कंडीशन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज डी साई टू ओवर डी एक्स माइनस डी साई वन ओवर डी एक्स डिसकंटिन्यूटी कंडीशन। हमारे पास जो आपके पास कितनी आई थी प्लस टू एम वी नॉट बाई एच कट स्क्वेयर, ओके, तो वो भी हमने नोट डाउन कर दिया। अब देखिए आपके पास जो सेकंड पार्ट में वेव फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड पार्ट में वेव फंक्शन आपके पास कितना है सी ई टू द पावर आई के एक्स, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो आपके पास कितना आएगा आई के सी ई टू द पावर आई के एक्स। और ऐसे ही आप दूसरे का डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी। लिमिट ई टेंड्स टू जीरो पुट करने पर हमारे पास इक्वेशन वन ऐसी बन जाएगी आई के सी माइनस आई के ए माइनस बी प्लस टू एम वी नॉट सी बाई एच कट स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो आपने साई जीरो पे मैंने उसको सी ले लिया। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए जो दूसरी इक्वेशन है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन को सारी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आई के प्लस टू एम वी नॉट बाई एच कट स्क्वेयर जो कि मैं नीचे नीचे कर रखा है, तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन से कट सकता है, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली से काट देंगे तो आपके पास बी बाई ए का रेशो आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास बी बाई ए का रेशो आ जाएगा ये रहा। तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं जो कि आपके पास इतना आ जाएगा वन ओवर वन प्लस एच की पावर एच कट दी पावर फोर के स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर, ओके। ऐसे ये हमारे पास बी बाई ए का रेशो है। इसी तरह से हम ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकालेंगे सी बाई ए, ओके, तो सी बाई आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, आप खुद भी करके देख लीजिएगा जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके ओके। तो आइए कुछ डिराक डेल्टा पोटेंशियल पर क्वेश्चन के लिए जाएं। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम दैट इज सब्जेक्टेड टू अ पोटेंशियल वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स, वी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो एंड रियल कॉन्स्टेंट। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विद नेगेटिव एनर्जी रिमेन्स बाउंड इफ वी नॉट इज हाफ सडनली एंड क्वाड्रपल सडनली, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब आपके पास पोटेंशियल जो कि एक बाउंड स्टेट में आपके पास वो हाफ हो जाता है सडनली, ठीक है, या फिर वो क्वाड्रपल्ड हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए आपके पास पोटेंशियल जो है उसने गिवन दे रखा है माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स, ओके, फॉर केस यहाँ पर देखा है ई लेस देन जीरो, ये भी देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर देखा है एनर्जी रिमेन्स बाउंड, ठीक है, विद नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेव फंक्शन आता था वो आपको याद रहना चाहिए डिराक डेल्टा पोटेंशियल के रूट के ई टू द पावर माइनस के मॉड एक्स, है ना। यहाँ पर आपके पास के की वैल्यू क्या थी ये भी आपको याद होना चाहिए, के एम वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर। अब देखिए अगर हमारे पास ये जो पोटेंशियल है ये चेंज हो जाएगा तो आपके पास के भी चेंज हो जाएगा, और अगर के चेंज हो जाएगा तो आपके पास वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपके पास न्यू वेव फंक्शन बनेगा, न्यू वेव फंक्शन आपके पास कुछ बनेगा रूट के डैश ई टू द पावर माइनस के डैश मोड एक्स, ठीक है। तो मैं एक जनरलाइज्ड वे लेके चलूंगा, उसके बाद हम वी नॉट जो इसने अंदर कह रखा है ना हाफ सडनली एंड क्वार्टर सडनली वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा हाफ सडनली। तो देखिए इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करते थे, सी निकालते थे आपके पास साई एक्स साई डैश एक्स साई एक्स, ठीक है, आप ये निकाल लीजिए फिर इसका मॉड स्क्वायर कर देंगे हम इजीली, ठीक है। पहले ये टर्म निकालते हैं साई डैश एक्स, आपके पास कितना आएगा रूट के डैश रूट के डैश, ये आपके पास इंटीग्रेशन से बाहर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और दूसरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी ई टू द पावर माइनस के के प्लस के डैश मॉड एक्स, ओके। अब देखिए क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक लिमिट्स है, ठीक है, और आपके पास ये फंक्शन भी इवन है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे लिमिट को, सी इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिट ई टू द पावर माइनस के प्लस के डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, रूट के डैश। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप कितना आएगा ई टू द पावर माइनस के प्लस के डैश एक्स ओवर के प्लस के डैश, ओके, रूट के डैश आपके पास बाहर ही है और लिमिट इसके अंदर लगेगी जीरो से इन्फिनाइट, माइनस का आएगा सॉरी माइनस का के प्लस के डैश। तो लिमिट पुट कीजिए इसके अंदर ई दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो और ई दी पावर जीरो आपके पास हो जाएगा वन, तो ये आपके पास आ जाएगा रूट के डैश ओवर के प्लस के डैश, नेगेटिव खत्म हो गया ना जब हमने दूसरी लिमिट पुट की लोअर लिमिट पुट किया जब हमने, तो आपके पास ये आंसर आएगा। एक चीज़ और इसके अंदर जब हमने ये चेंज किया ना यहाँ पर टू भी आएगा आपके पास ये टू और यहाँ पर भी टू, ओके। तो आपके पास सी की वैल्यू इतनी आएगी, ये तो हमारे पास सी की वैल्यू आई। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, कॉफिशेंट का स्क्वेयर कर दीजिए, कॉफिशेंट का मॉड स्क्वेयर आपके पास टू के डैश फोर के डैश सॉरी के प्लस के डैश का स्क्वेयर। अब आप बात ये थी कि पोटेंशियल आपके पास सडनली हाफ और क्वाड्रपल्ड हो रहा था, ठीक है, तो उसके लिए हम के को वी नॉट में चेंज कर लेते हैं। अब के आपके पास कितना था एम वी नॉट बाय एच कट स्क्वेयर, तो देखिए वो जब पुट करेंगे तो एम बाय एच कट स्क्वेयर तो कट जाएगा हर जगह से, ठीक है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ऊपर नीचे भी आपके पास स्क्वेयर में यहाँ पर भी स्क्वेयर से निकलेगा तो लिखेंगे नहीं हम, यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं वी नॉट डैश v प्लस वी नॉट डैश का स्क्वायर, ओके। तो आपके पास ये टर्म बनेगी। अब बात करते हैं, देखिए अब जो हमारे पास पोटेंशियल हो रहा है ना पोटेंशियल फर्स्ट केस में, पोटेंशियल फर्स्ट केस में आपके पास क्या हो रहा था, पोटेंशियल चेंज हो रहा है v नॉट डैश आपके पास हो रहा है v नॉट बाई टू, पोटेंशियल इतना हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए
वी फोर वी वी नॉट बाय टू वी प्लस वी नॉट बाय टू स्क्वेयर। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 8/9, ठीक है, जो कि आपके पास कितनी है 89%। ऐसे ही आप फॉर द सेकंड केस वी नॉट डैश आपके पास कितना हो रहा है क्वाड्रपल्ट, क्वाड्रपल्ट मतलब कि आपके पास 4v0, ठीक है, इस बार 4v0 हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर 4v0 बाय 2। इसको भी v0 कर लीजिए ना आप, ठीक है, v0, ठीक है, तभी वो चीज़ बनेगी आपके पास, ठीक है। तो 4v0 ओवर v0 प्लस 4v0 स्क्वायर, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 16/25, ठीक है, 16/25, और ये आपके पास कितना होगा 65%। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आपके पास हाफ कर रहे हो तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 89% आ रही है, और जब आप क्वाड्रपल्ट कर रहे हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 65% रह रही है। ओके, तो आइए इसके ऊपर और क्वेश्चन किए जाए इसके रिलेटेड ही, जो कि नेट जस्ट टिफर जैसे एग्जाम्स में आ रखे हैं। क्वेश्चन थ्री चलते हैं। टिफर 2012, ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल हैज द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ए ई टू द पावर माइनस मोड एक्स बाय ए वेयर ए इज अ कांस्टेंट, इट फॉलोज दैट फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट वी नो द पोटेंशियल वी नॉट इज। देखिए, जो ये वेव फंक्शन है जो हमें दे रखा है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ए एक्सपोनेंशियल माइनस मोड एक्स बाय ए। ओके, तो देखिए ये वेव फंक्शन हमारे पास डिराक डेल्टा से नहीं मिलता जुलता। देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी ये चीज नहीं कही गई है कि आपके पास ये डिराक डेल्टा पोटेंशियल है और उसके लिए वेव फंक्शन ये वाला बन रहा है, ठीक है, पर हाँ आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डेरिवेटिव इसका डी साई बाई डी एक्स इज डिसकंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हैं कि आपका साई ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और ये डिराक डेल्टा पोटेंशियल के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास जो वेव फंक्शन होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो आपके पास होता है रूट के ई टू द पावर माइनस के मॉड एक्स, तो ये चीज होती है। तो इससे एनालॉजी लेते हुए हमारे पास पोटेंशियल कितना था वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास पोटेंशियल आता था तो यही तो हमें पूछा गया पॉजिटिव कांस्टेंट वी नॉट द पोटेंशियल वी ऑफ एक्स इज, तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज इन अ पोटेंशियल वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स माइनस ए, इट्स वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिस्कंटिन्यूटी इन डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखिए डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है और इस बार हमें तो नोटिफाई भी कर दिया कि आपके पास पोटेंशियल कैसा है, डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्कंटिन्यूटी कैसे निकालते थे, श्रोडिंगर इक्वेशन से निकालते थे, जैसे कि आपको याद ही होगा हमने क्योंकि डेरिवेशन में भी श्रोडिंगर इक्वेशन से निकाली थी। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन इसके लिए इस केस में क्या बनेगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय h का स्क्वायर e माइनस v ऑफ x, तो एक v ऑफ x क्या दे रखा है a डेल्टा x माइनस a। देखिए हम क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, लिमिट्स क्या लेते थे, देखिए a यहाँ पर आपके पास डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पर है एट x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर हम जो लिमिट्स लेंगे वो a माइनस e और a प्लस e के बीच में लेंगे और कह देंगे बाहर की लिमिट e टेंड्स टू 0। ओके, देखिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कितना आएगा, डी साई बाई डी एक्स ए प्लस ई माइनस डी साई बाई डी एक्स एट ए माइनस ई। ओके, और यहाँ पर आपके पास देखिए 2me बाय एच कट स्क्वायर, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर आपके पास भी लिमिट लगेगी और यहाँ पर लिमिट चल रही है लिमिट ई टेंड्स टू 0। देखिए इसे सेग्रीगेट कर लीजिए आप, 2me बाय एच कट स्क्वायर ए माइनस ई टू ए प्लस ई साई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए dx, ठीक है, dx लिख देंगे हम इधर, ठीक है, इंटीग्रेशन किया था ना हमने डेल्टा x माइनस a, और ये आपके पास a और a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। ओके, यहां पर आपके पास ये रह गया 2m बाय h कट स्क्वायर, ठीक है, तो 2m बाय h कट स्क्वायर भी है, 2m बाय h कट स्क्वायर, ठीक है, तो ये चीज मैं लिख दिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप। तो देखिए अब यहाँ पर आपके पास ये तो डिस्कंटिन्यूटी आ गई, हम डिस्कंटिन्यूटी यही चेक करनी है, तो हमें फाइंड करना ही है। देखिए 2me बाय h स्क्वायर साई ऑफ x, देखिए साई ऑफ x आपके पास क्या, साई ऑफ x क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आपके साई ऑफ x कंटिन्यूअस होता है, यस इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 0, ठीक है, तो इसे मैं कर देता हूं कैंसिल, ठीक है, आपके पास क्या रहेगा 2me बाय h स्क्वायर माइनस का और साई ऑफ x डेल्टा x माइनस a, तो यहां पर आपके पास प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी क्या लगेगी यहां पर एट x इक्वल टू a आपके पास, तो यहां पर आ जाएगा साई a, साई a और आपके पास 2me बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है, इसका यहाँ पर हमने डिराक डेल्टा प्रॉपर्टी लगा दी है, जो आपके पास साई ऑफ ए आ जाएगी और बाहर आपके पास 2m बाय एच कट स्क्वायर था, ठीक है, नेगेटिव में नेगेटिव आपके पास उधर जाएगा, जीरो वाली साइड चला जाएगा, तो आपके पास इतना आ जाएगा 2ma साई ऑफ ए बाय एच कट स्क्वायर, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके पास, देखिए हाँ जी, तो आपके पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ए पार्टिकल
ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन वन डायमेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा एक्स वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट द डेल एक्स डेल पी देखिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकालने ठीक है तो आपको पोटेंशियल का देखा है वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा एक्स ठीक है और आपके पास तो इसके लिए वेव फंक्शन हम एनालॉगस कर सकते हैं टॉपिक से जो कि हमने किया था रूट के ई टू द पावर माइनस के मॉड एक्स ठीक है और के की वैल्यू क्या थी यहाँ पर के आपके पास था एम वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर और यहाँ पर वी नॉट कैसा है अल्फा है तो आपके पास एम अल्फा बाय एच कट स्क्वायर और ई की वैल्यू कितनी थी आपके पास एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय टू एम के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए के की वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय टू एम एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर आपके पास एच कट द पावर फोर ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एम अल्फा स्क्वायर ओवर टू एच कट स्क्वायर ओके तो इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास एनर्जी इतनी आ जाएगी ठीक है ये आपके पास नेगेटिव में आएगी ऑब्वियसली ठीक है क्योंकि ड्रैग डेल्टा में बात कर रहे हैं एनर्जी आपके पास नेगेटिव में आई तो अब फाइंड करते हैं हम एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्स फाइंड करते हैं पहले देखिए इसके अंदर आपके पास माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस के मॉड एक्स रूट के आपके पास बाहर है ठीक है देखिए ये तो आपके पास इवन फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है तो जीरो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन तो ठीक है नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम सॉरी यहाँ पर टू भी आ जाएगा सॉरी ठीक है तो इवन बन जाएगा ये नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का आपके पास कितना आएगा देखिए यहां पर भी आप क्या करेंगे e टू द पावर माइनस टू के मॉड एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर ठीक है तो इसका भी आप इंटीग्रेशन कीजिए देखिए इस बार नहीं बच सकते हम ठीक है तो यहां पर आपके पास k आ जाएगा बाहर और अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं देखिए यहां पर आपके पास इवन फंक्शन बन रहा है इवन फंक्शन और आपके पास क्या है सिमेट्रिक लिमिट्स हैं तो पहले तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं जीरो टू इनफिनिट एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस टू के एक्स डी एक्स ओके अब देखिए ये आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन रहा है जीरो टू इनफिनिट एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स ठीक है तो यहां पर आप कर दीजिए एन फैक्टोरियल ओवर अल्फा टू द पावर एन प्लस वन अल्फा आपके पास कितना है टू के और एन प्लस वन आपके पास थ्री हो जाएगा ठीक है और बाहर आपके पास टू के चल ही रहा था तो कितना आ जाएगा आपके पास ये वन बाय टू के स्क्वायर ओके के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए के की वैल्यू कितनी थी एम अल्फा बाय एच कट स्क्वायर तो पुट कर दीजिए आपके पास आ जाएगा एच कट फोर ओवर टू एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओके नेक्स्ट चलते हैं तो डेल एक्स तो हमारे पास कितना आ गया डेल एक्स आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ठीक है तो आपके पास कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन तो आपके पास एच कट स्क्वायर ओवर रूट टू एम अल्फा तो आपके पास कितना आ गया ये नेक्स्ट चलते हैं पी एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं डेल पी फाइंड करने के लिए तो पी एक्सपेक्टेशन देखिए वैसे तो आपके पास ये वेव फंक्शन कैसा है रियल वेव फंक्शन है रियल वेव फंक्शन के लिए आपके पास यदि बाउंडेड भी है तो आपके पास मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसके अंदर ठीक है बाउंडेड वेव फंक्शन है रियल तो आपके पास मोमेंटम जीरो पी स्क्वायर फाइंड करते हैं देखिए पी स्क्वायर तो वैसे फाइंड करना थोड़ा सा हमें हार्ड पड़ेगा ठीक है पर हम यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू से ऐसे एनालॉग कर सकते हैं ठीक है पी स्क्वायर आपके पास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन आप टू एम ई लिख सकते हैं देखिए जहां पर आपके पास एट द सेंटर से ठीक है जहां पर आपके पास पोटेंशियल ड्राग डेल्टा है ठीक है अदरवाइज तो आपके पास वो जीरो है ना ठीक है तो हम इसको एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं और एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है एम अल्फा स्क्वायर ओवर टू एच कट स्क्वायर तो एम अल्फा स्क्वायर ओवर टू एच कट स्क्वायर ओके तो आपके पास कितना आ जाएगा एम स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर ओके तो इतना आ जाएगा आपके पास देखिए पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन तो पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से तो डेल पी आपके पास कितना आएगा डेल पी आपके पास पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर ठीक है तो आपके पास ये कितना आ जाएगी एम अल्फा बाय एच कट ओके अब देखिए डेल एक्स डेल पी निकालना बहुत इजी हो गया हमारे लिए यही तो हमें पूछ रहा था वो डेल एक्स डेल पी एच कट स्क्वायर ओवर रूट टू एम अल्फा और यहाँ से एम अल्फा बाय एच कट तो एच कट बाय रूट टू आ गया ठीक है तो एच कट बाय डेल एक्स डेल पी आपके पास एच कट बाय रूट टू आ गया तो देखिए कौन सा सी ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है क्वेश्चन द वेव फंक्शन ऑफ ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास एम इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल वी ऑफ एक्स हैज द फॉर्म साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए ई टू पावर माइनस ए मॉड एक्स वेयर मॉड एक्स डिनोट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स द पोटेंशियल वी ऑफ एक्स इज तो देखिए पोटेंशियल पूछा गया हमें ठीक है वैसे देखिए जब हम ड्राग डेल्टा के लिए लिखते थे वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ए ई टू पावर माइनस के मॉड एक्स तो उसके लिए आपके पास पोटेंशियल कैसा था वी इज इक्वल टू वी नॉट डेल्टा एक्स नेगेटिव में ठीक है इस बार हमें वी नॉट नहीं दे रखा ठीक है वी नॉट के कहीं ना कहीं ये वैल्यू पूछ रहा है ठीक है तो आप देखिए यहां पर आपके पास जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है रूट ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड एक्स ये चीज देखिए जो आपके पास के होता था वो के कितना होता था एम वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर ठीक है इतनी वैल्यू होती थी मतलब कि यहां पर आपके पास ए की वैल्यू कितनी होगी एम वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर तो यहां का जो वी नॉट होगा उसकी वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी वी नॉट की वैल्यू होगी आपके पास ए एच कट स्क्वायर ओवर एम इतनी वैल्यू होगी आपके पास तो देखिए ये तो पूछ रहा है हमें वो तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहां पर तो वी इज इक्वल्स टू माइनस ए एच कट स्क्वायर बाय एम डेल्टा एक्स तो किसी से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये देखिए अभी तक तो नहीं कर रहा है पर यहाँ पर इसने एक जगह ड्राग डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा रखी है तो वो क्या आपके पास
वहां पर इसके अंदर इसने कर रखा है डेल्टा एक्स बाई ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये ड्रैग डेल्टा प्रॉपर्टी से आपके पास बन जाएगा, तो आपके पास इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ सही बैठता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फाइनाइट पोटेंशियल वेल सिमेट्रिक का केस, पोटेंशियल जीरो व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन एल बाई टू, मीन्स इट इज जीरो व्हेन रेंज ऑफ एक्स इज बिटवीन माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू एंड इट्स वैल्यू इज वी नॉट व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एल बाई टू। तो आप देखिए, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका आप ग्राफ देख लीजिए पहले आप, ठीक है, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू आपके पास क्या आ रहा है, पोटेंशियल जीरो आ रहा है और अदरवाइज ये क्या है, वी नॉट है। अब देखिए, जो यहाँ पर हम रेंज ले रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हम एनर्जी की रेंज लेंगे वो आपके पास वी नॉट से लेस होगी, ठीक है, और आपके पास वी इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल से ग्रेटर होगी, ठीक है, तो वो इस बॉक्स को काटती हुई जाएगी, ठीक है। सो कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम इनसाइड द फाइनाइट पोटेंशियल वेल। फर्स्ट रीजन में देखिए, आपके पास एनर्जी पोटेंशियल से लेस है। अब एनर्जी पोटेंशियल से लेस है तो हम जानते हैं केवन आपके पास क्या होगा, केवन आप हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है, केवन पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टू एम वी नॉट माइनस ई बाई एच का स्क्वायर, ठीक है, और यही आपके पास थर्ड रीजन में होगा के थ्री, ठीक है, और हाँ सेकंड रीजन में आपके पास क्या होगा, सेकंड रीजन में के आपके पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा टू एम ई बाई एच का स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक एक रीजन करके बात करते हैं हर एक की। तो आपके पास एक्स लेस देन माइनस एल बाई टू, एक्स लेस देन माइनस एल बाई टू आपके पास इधर फर्स्ट रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन जो बनेगी, डी स्क्वायर आई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई माइनस वी नॉट बाई एच का स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको हम कैसे चेंज कर लेंगे, माइनस के वन स्क्वायर करके, ठीक है, और जो आपके पास माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू रीजन है उसमें आपके पास कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जो थर्ड रीजन है उसमें आप थोड़ी सी थर्ड रीजन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थर्ड रीजन में आपके पास सेम ही बनेगा टू एम ई माइनस वी नॉट बाय एच का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर भी पोटेंशियल है। अब देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट रीजन की जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनी है, देखिए वो वहाँ पर आपके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से लेस है, ठीक है, इसलिए आपके पास वहाँ पर क्या बनेगा, एक डिकेइंग वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है, और जो सेकंड रीजन है उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल है, तो उसमें आपके पास क्या है, आइटा टर्म्स वाले बनेंगे, मतलब कि साइनसोइडल वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है, वो जो कि हमने कॉस में चेंज कर लिया डी मोवरिस थ्योरम के हिसाब से। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो पहले वाले आप पोटेंशियल के केस देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने ये चीज़ कर रखी है, ठीक है। तो x लेस देन माइनस एल बाई टू के लिए आपके पास डिकेइंग वेव फंक्शन बनेगा, सेकंड में आपके पास साइनसोइडल वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है, और थर्ड में आपके पास सेम एज द फर्स्ट केस, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पर भी डिकेइंग वेव फंक्शन बनेंगे थर्ड केस में। अब देखिए, यहाँ इसमें हम एक्सेप्टेबल की कंडीशन देख लेते हैं, कौन से वेव फंक्शन इसके अंदर एक्सेप्टेबल होंगे। तो देखिए, फर्स्ट केस में देखा जाए x लेस देन माइनस एल बाई टू, तो x वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्सटेंड वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो आपके पास b वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो b वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पर, और जब आपके पास सेकंड पार्ट में आपके पास जो वेव फंक्शन है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है, और सेकंड वेव फंक्शन आपके पास सेप्टेबल है, थर्ड वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूँ वो आपके पास एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पर वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी शो करेगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके पास ई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही शो किया हुआ है, रीजन फर्स्ट में आपके पास एज एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी बी इज इक्वल टू जीरो, एंड इन रीजन सेकंड नो चेंज, एंड रीजन थ्री ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आप ये देख लीजिए, ओके, तो आपके पास अब जो वेव फंक्शन निकल कर आया वो इतना आया। अब देखिए, जो पोटेंशियल यहाँ पर सिमेट्रिक है, ठीक है, तो इसके आइगन फंक्शन क्या होने चाहिए, एक डेफिनेट पैरिटी के होने चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पर हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा एक्सेप्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वेव फंक्शन, जो कि आपके पास साई सेकंड है, जहाँ से आपको क्लू हो रहा है कि कॉस आपके पास एक इवन वेव फंक्शन है, साइन आपके पास ऑड वेव फंक्शन है, तो हमें साई वन और साई थ्री के बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हम इसको बाउंड्री कंडीशन से इसको थोड़ा सा डिस्कवर करेंगे कि आपके पास कैसा वेव फंक्शन हो सकता है। सो फॉर द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन बाउंड्री कंडीशन मस्ट बी सेटिसफाइड, सो साई वन साई टू फर्स्ट और सेकंड रीजन के लिए आपके पास साई वन साई टू मैच करेंगे दोनों वेव फंक्शन की एट माइनस एल बाई टू, और सेकंड रीजन और थर्ड रीजन के लिए भी आपके पास वेव फंक्शन मैच करेंगे फॉर x इज इक्वल टू एल बाई टू के लिए, ठीक है, और वही आपके पास इनके डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक। तो अब देखिए, मैंने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन इसको सेग्रीगेट कर लिया, जो आपके पास फर्स्ट में ए टू द पावर के वन एक्स है उसका हमें कोई क्लू नहीं हो रहा है कि आपके पास इवन है या ऑड है, तो मैंने उसको दोनों साइड नोट कर लिया, ऐसे ही मैंने थर्ड में भी उसको नोट कर लिया, जो हमारे पास वेव फंक्शन है एफ ई टू द पावर माइनस के वन एक्स, ठीक है, पर हाँ मैंने साई सेकंड जो वेव फंक्शन था वहाँ पर मुझे क्लियरली विजिबल था कि आपके पास कौन सा इवन फंक्शन है कौन सा ऑड फंक्शन है, तो उसको मैं सेग्रीगेट कर लिया अपने हिसाब से। आइए इनको और एक्सप्लोर करते हैं, इनकी बाउंड्री कंडीशन चेक करते हैं। देखिए, इवन वेव फंक्शन के लिए, इवन वेव फंक्शन के लिए अगर मैं इवन वेव फंक्शन पहले पिक करूँ, तो साई वन साई टू आपके पास जो वेव फंक्शन थे उसको मैं इक्वल करके एट माइनस एल बाई टू, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनती है, ए ई टू द पावर माइनस के वन एल बाई टू, हमने सिर्फ यहाँ पर बाउंड्री की लिमिट पुट किया है दोनों वेव फंक्शन को इक्वल करके, ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे हम साई सेकंड साई थ्री के लिए कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये लिमिट बन जाएगी। अब दोनों को देखिए आप, ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्लू मिल रहा है, अब दोनों को देखिए यहाँ से आपको क्या क्लू मिल रहा है, यहाँ से आपको ये नहीं दिख रहा कि ए इक्वल्स टू एफ है, तो ये मैंने कंक्लूड कर लिया ए इक्वल्स टू एफ है, तो अगर ए इक्वल्स टू एफ है आपके पास, तो यहाँ से हमें क्या लगता है कि आपके पास जो, तो जैसे ही हमारे पास एक कोस टू एफ आया, ठीक है, हमको यहाँ से नोटिफाई हो गया और हमने हमारे वेव फंक्शन चेंज कर लिए, ठीक है, तो वेव फंक्शन जो हमारे पास इवन के थे थ्री केस लिख लिए। अब देखिए आप यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि आपके पास जो ये जितने भी वेव फंक्शन लिए थे ये आपके पास सिमेट्रिक है, ठीक है, आप कहीं पर भी आपके पास माइनस एक्स आप वैल्यू पुट करके देखिए आपके पास वेव फंक्शन इवन आएगा, ठीक है, तो आपके पास ये इवन वेव फंक्शन बन गया, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव की बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं। डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूस एट द बाउंड्री फॉर द माइनस एल बाई टू एंड फॉर द प्लस एल बाई टू। पहले हम माइनस एल बाई टू के लिए देखते हैं, तो माइनस एल बाई टू के लिए हमारे पास ये कंडीशन बनती है, ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव करना है आपके पास ये ब्रैकेट वाली कंडीशन बन जाएगी, और वैसे ही आप L बाई टू के लिए भी पुट कर लेंगे, ये कंडीशन आप खुद बनाइएगा, ठीक है, आपके पास रिपीट होगी कंडीशन ये। तो अब देखिए,
तो अब देखिए जो सेकंड सेकंड पार्ट आया था हमारे पास, सेकंड आपके पास ये आई थी ना, ए ई टू द पावर माइनस के वन एल बाई टू इज इक्वल टू सी कॉस के टू एल बाई टू, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। अब आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास ये सिक्स्थ इक्वेशन आ जाए, के वन इक्वल टू के टू टेन के टू एल बाई टू। ओके, यहाँ पर हमने K1 और K2 क्या नोटिफाई किए थे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थे, जिसको हम प्लस करेंगे K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, आपके पास कितने आएंगे ये 2mv0 बाय h कट स्क्वायर। ओके, अब देखिए सिक्स और एट्थ इक्वेशन में जो आपके पास एट्थ इक्वेशन है वो आपको सर्कल की इक्वेशन से हो रही है, ठीक है, और K1 इज इक्वल टू K2 टेन K2 एल बाई टू, और K1 आपके पास दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है K2 और टेन K2 एल बाई टू, ठीक है। देखिए हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये सर्कल का एट्थ का और सिक्स्थ। देखिए जो सिक्स्थ इक्वेशन में हमारे पास K2 है, K2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब जो हमारे पास K2 L by 2 है जो इसके फैक्टर को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फैक्टर को मॉडिफाई कर रहा है, जिसका इफेक्ट हमारे को बाहर वाले K2 पे दिखेगा, तो इसकी हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो इसकी स्केलिंग करते हैं आइए। तो इसकी स्केलिंग करने के लिए मैंने सारी इक्वेशन को L by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जो इनसाइड K2 L by 2 था, जो आपके पास वेरिएबल था वो L by 2 फैक्टर से मॉडिफाई हो रहा था, वैसे ही अब हमारे पास बाहर वाला K2 L by 2 भी उसी फैक्टर से मॉडिफाइड होगा, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम दूसरी इक्वेशन को भी चेंज कर लेते हैं, हमारी स्फीयर वाली इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। अब ये इन फैक्टर्स को हमने नोटिफाई कर दिया अल्फा और बीटा से, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू K1 L by 2 एंड बीटा इज इक्वल टू K2 L by 2। तो हम इसको इजीली देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा टेन बीटा, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इजीली रीडेबल है और इजीली आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए जो आपके पास K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर था उसको भी आप मॉडिफाई कर दीजिए, उस ऊपर वाली इक्वेशन जो मैंने एरो शो कर रखा है वहाँ पर आप K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4/L स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4/L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास थी 2mv0 बाय h कट स्क्वायर वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, mv0 l स्क्वायर ओवर 2h कट स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या थी, मैंने आपको कहा था ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है, ये इज इक्वल टू r स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। तो r आप याद रखिएगा इसके अंदर रूट mv0 l स्क्वायर ओवर 2h कट स्क्वायर का रूट है, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा टेन बीटा और एक आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, हमने दोनों इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट कर सकें, तो आइए इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखिए जो पहला आपके पास ग्राफ है, मैंने आपको कहा था जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी अल्फा इज इक्वल टू बीटा टेन बीटा, वो आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है F1 एंड F2, F1 क्या है इसमें बीटा, F2 इसके टेन बीटा, टेन बीटा ग्राफ आप 10th क्लास से जानते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो F1 इज इक्वल टू बीटा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो देखिए मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा ग्राफ बनाया, उसमें मैंने आपको डार्क लाइन से एक F1 शो किया और F2 यहां पर मैंने 10 का शो किया, ठीक है। तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा यहां पर, ओके, तो F2 का मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू F2 आपके पास अगर है तो ये ग्राफ बना दिया, उधर आपके पास अल्फा इज इक्वल टू F1 है तो आप मैंने वो ग्राफ बना दिया, ठीक है। मैं दोनों को इंटरसेक्ट करके दिखा दूंगा आपको। इससे पहले आप एक ये चीज़ देखिए, देखिए जो आपके पास 10 का ग्राफ है ना वो नीचे से भी जाता है आपके पास, नेगेटिव भी जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी जाता है आपके पास, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जो K1 K2 था हमारे पास वो पॉजिटिव वैल्यू बनाई थी ना हमने, K1 K2 पॉजिटिव वैल्यू बनाई थी, जिसकी वजह से आपके पास अल्फा बीटा भी पॉजिटिव वैल्यू थी, तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास बचे हुए 3 क्वाड्रेंट्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही K1 K2 की पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो डायग्राम बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव में ही आएगा। अब देखिए, अब मैंने ये तो प्लॉट कर दिया, अब हमारे पास एक और इक्वेशन रह गई है जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो हमारे पास सर्कल की बनेगी, ठीक है, वो भी आपके पास सिर्फ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सर्कल बनेगा, ठीक है। तो आप उसको ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर शो कर दीजिए। अब देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर रेडियस 0 से पाई बाय 2 के बीच में होती है, ठीक है, मींस टू से अगर आपके पास r इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक ही पॉइंट पर ही कट करता हुआ दिखेगा और जहाँ पर ही कट करता हुआ दिखेगा वो आपके पास एक सिंगल बाउंड स्टेट होगी, ठीक है। तो r 0 से पाई बाय 2 आपके पास एक सिंगल बाउंड स्टेट मिलती है और जब आप r की वैल्यू 0 से 3 पाई बाय 2 देखते हैं तो आपको यहाँ पर दो कट देखने को मिलते हैं, दो कट मतलब कि दो बाउंड स्टेट, दो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इवन में आपके पास फॉर रेंज फॉर रेडियस 0 से पाई बाय 2 आपके पास क्या इवन सिंगल बाउंड स्टेट है और अगर आप थोड़ा सा लेवल अप करते हैं r 0 से 3 पाई बाय 2 आपको डबल स्टेट देखने को मिलती है। तो जो हमारे पास वन बाउंड स्टेट आई है आर इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, अब देखिए जो हमारे पास आर था, ठीक है, वो आपके पास कौन सी लाइन पर था, बीटा वाली लाइन पर था। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ वो ग्राफ, देखिए जो ग्राफ है आपके पास बीटा का वो आपके पास 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, और यही आपके पास रेडियस की वैल्यू है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर आप रेडियस आपके पास रेडियस की रेंज जो आपके पास 0 से पाई बाय 2 है तो बीटा की रेंज भी आपके पास 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगी, और बीटा की आपके पास क्या वैल्यू थी, K2 L by 2, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। देखिए हम यहाँ से R की रेंज से हम एनर्जी की रेंज तक जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम K2 का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं K2 का स्क्वायर में आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हम 4 को देखिए थोड़ी सी अरेंजमेंट करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, K2 स्क्वायर इज बिटवीन 0 से पाई बाय स्क्वायर बाय L स्क्वायर, तो अब K2 स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 2 mv बाय h कट स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास एनर्जी की रेंज आ गई है पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 mv स्क्वायर। तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट बन रहा है, फर्स्ट आपके पास रेडियस R 0 से पाई बाय 2, एनर्जी इवन इज बिटवीन आपके पास 0 से पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 mv स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ इवन पैरिटी स्टेट्स 1 थी, ऑड पैरिटी स्टेट्स अभी हम डिस्कवर करेंगे इसके बारे में, और बाउंड स्टेट आपके पास 1 है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि आपके पास इवन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, जो हमने ये रेंज निकाली आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इस पॉइंट पर, तो क्या ये सही होगा, अभी हम यहाँ पर इतना श्योर नहीं हो सकते इसके बारे में क्योंकि अभी हमने सिर्फ इवन वेव फंक्शन के लिए ये सब कुछ निकाला है, अभी हम ऑड वेव फंक्शन के लिए भी निकालेंगे, तो वहाँ से हम यहाँ पर श्योर हो सकते हैं कि आपके पास इवन फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं ऑड वेव फंक्शन के बारे में बात करते हैं।
अब देखिए जो ऑड वेव फंक्शन है उसके अंदर जैसे आपके पास a इक्वल्स टू एफ आया था, इस केस में आपके पास a इक्वल्स टू माइनस एफ आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर f इक्वल्स टू माइनस a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वो आप चीज़ खुद कर लीजिएगा बाउंड्री कंडीशन पुट करके, ठीक है। वही सिमिलर स्टेप यूज़ करने हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन का यूज़ आप खुद कीजिएगा, ठीक है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपके पास a इक्वल्स टू माइनस एफ, तो यहाँ पर आप वेव फंक्शन में कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करके देखें तो आपको ये क्या दिखेगा, ये एक ऑड वेव फंक्शन दिखेगा। साई ऑफ माइनस एक्स आप जब करेंगे तो आपके पास माइनस साई एक्स आएगा, ओके। तो आपके पास इसके अंदर जब आप डेरिवेटिव की बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो इस केस में आपके पास k1 इज इक्वल टू माइनस k2 cot k2 l by 2 आएगा। वापस से हम इसकी स्केलिंग करेंगे तो आपके पास l by 2 मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फा k1 l by 2 करेंगे, बीटा इज इक्वल टू k2 l by 2 करेंगे और हमारे पास यहाँ पर अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा cot बीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम cot को 10 की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं क्योंकि पिछले वाला भी हमारे पास 10 में था और हमारे लिए ईजी हो जाएगा ये। तो 10 90 प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन भी बनेगी हमारे पास, वो आर स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो आप कॉट बीटा का आपके पास इस तरीके से बनेगा। अब इसमें फर्स्ट कॉर्डिनेट यूज़ होगा क्योंकि केवन के टू पॉजिटिव है जिसकी वजह से अल्फा बीटा भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और आपके पास फर्स्ट कॉर्डिनेट यूज़ होगा, तो डॉटेड वाला यूज़ नहीं करना है आपने, ठीक है। और फर्स्ट कॉर्डिनेट ही सर्कल का यूज़ होगा उसकी वजह से आपके पास, क्योंकि वो भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू से बना हुआ है। तो आपके पास इसके अंदर देखेंगे आप 0 से पाई बाय 2, जब आर 0 से पाई बाय 2 है उसके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंगल बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है फॉर द इवन स्टेट, तो सिंगल स्टेट एग्जिस्ट करती है, सिंगल बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है फॉर द इवन पैरिटी इन द रेंज आर बिटवीन 0 से पाई बाय 2। और उसके बाद अगर आप पाई बाय 2 से पाई जाएंगे तो आपको एक और इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपके पास ऑड में देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑड और इवन वेव फंक्शन को दोनों को सुपरइंपोज करके आपको यहाँ पर शो कर दिया, जहाँ पर कि आपके पास एफ इजिकल्स टू प्लस माइनस ए है इसके अंदर, प्लस फॉर द इवन वेव फंक्शन माइनस फॉर द ऑड वेव फंक्शन, ओके। फंक्शन का ऊपर देखूं, ठीक है, मैं दोनों वेव फंक्शन को सुपरइंपोज कर रहा हूं तो उनके ग्राफ भी सुपरइंपोज होंगे। तो आपके पास जो अल्फा बीटा 10 बीटा आ रहा था इवन वेव फंक्शन से वो, और हमारे पास दूसरे में क्या रहा था माइनस बीटा कॉट बीटा, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं 10 90 प्लस बीटा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर बीटा 10 10 पाई बाय 2 प्लस बीटा, ओके। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो तो आपको पास रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप जैसे कि हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया था जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास अलाउड ग्राफ होंगे, ठीक है। आर जीरो से R बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, तो आपके इसके अंदर फर्स्ट इवन वेव फंक्शन वाला बनेगा, ठीक है। आप जब रेंज लेंगे R 0 टू पाई के बीच में तब आपके पास एक इवन का इंटरसेक्शन करता हुआ दिखेगा, एक ऑड के साथ इंटरसेक्शन करता हुआ दिखेगा। और जब आप रेंज लेंगे 0 से 3 पाई बाय 2 आपके पास इंटरसेक्शन दिखेगा, एक इवन का, एक ऑड का, फिर एक इवन का, तो 3 इंटरसेक्शन दिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर आर जीरो से पाई बाय 2 आपके पास एक इवन का फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि आपके पास फर्स्ट एक्साइज स्टेट होगी, तो आप याद रखिएगा इसको आर बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, तो पाई बाय 2 टू पाई, तो यहाँ पर आपके पास दो इंटरसेक्शन देखने को मिल रहे हैं, एक इवन पैरिटी कर्व का, एक ऑड पैरिटी कर्व का, दो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दो बाउंड स्टेट। और आर जीरो से पाई पाई से थ्री पाई बाय टू, पाई टू थ्री पाई बाय टू आपके पास इसके अंदर क्या देखें, थ्री इंटरसेक्शन पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपके पास दो इवन और एक ऑड देखने को मिल रहा है, तो थ्री इंटरसेक्शन पॉइंट, तो थ्री बाउंड स्टेट, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने आपको इस टेबल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके पास जितनी भी रेंजेस आएंगी वो आपके पास वहाँ पर कितनी बाउंड स्टेट होंगी, कितनी इवन स्टेट होंगी, कितनी ऑड पैरिटी की स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो आर इन द रेंज 0 से पाई बाय 2, इवन की रेंज 0 से पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास इवन पैरिटी देखने को मिली थी आपको, ठीक है। ये आपको रेंज तो निकालनी आती थी, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इस टेबल का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी इवन पैरिटी स्टेट्स बनेंगी, कितनी ऑड पैरिटी स्टेट्स बनेंगी और कितनी बाउंड स्टेट्स बनेंगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जब आर 0 से पाई बाय 2 के बीच में हमने एनर्जी रेंज में आपको एक को निकाल के दिखाई थी, ठीक है, दूसरी आप सिमिलरली वैसे ही कंक्लूड कर लीजिएगा कि कैसे आएंगी, ठीक है। इसमें आपको खुद को ही वर्कआउट करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे तब आपको समझ नहीं आएगा तब तक, ठीक है। चलो मैंने तो आपको बता दिया है, पर आपको भी ये चीज़ें पेपर पर करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आइए अब इसे जनरलाइज कर देते हैं हम एन बाउंड स्टेट के लिए, ठीक है। जब आपके पास एन बाउंड स्टेट कब होंगी, ठीक है, तो आप देखिए पहले हम रेडियस को जनरलाइज करते हैं। जो आपके पास रेडियस है, देखिए आर जीरो से पाई बाय टू, फिर अब आपके पास पाई बाय टू से, फिर आपके पास आर पाई बाय टू से पाई। तो देखिए यहाँ पर जब आपके पास बाउंड स्टेट वन थी तब आपके पास रेडियस थी वो जीरो से पाई बाय टू थी। यहाँ पर मैं लेफ्ट और राइट रेंज कह रहा हूँ, ठीक है। जो आपके पास राइट रेंज है ना उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, वो आपके पास पाई बाय टू का मल्टीपल है, ठीक है। पाई बाय टू का मल्टीपल क्या आपके पास वन है, ठीक है। अब आप नीचे आइए, नीचे आपके पास जो दो बाउंड स्टेट है उसमें आपके पास रेंज जो है रेडियस है वो आपके पास पाई बाय टू से पाई है। अब पाई में देखिए आप, वो आपके पास पाई बाय टू में कितने का मल्टीप्लाई है, अब टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई को, ठीक है। तो आपके पास वो टू का मल्टीप्लाई और टू बाउंड स्टेट है। ऐसे आप नीचे आइए, आप थर्ड बाउंड स्टेट में देखेंगे तो आपके पास थ्री बाउंड स्टेट आपको मिलेंगी, तो आपके पास थ्री मल्टीप्लाई पाई बाय टू। और जो आपके पास लेफ्ट वाली रेंज है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एन माइनस वन मल्टीपल है पाई बाय टू का, ठीक है। तो जैसे आपके पास जो सेकंड है जहाँ पर आपके पास टू बाउंड स्टेट मिल रही है, आपके पास वो क्या है, टू मल्टीपल है, और आपके पास उसका लेफ्ट आपके पास वन मल्टीपल है पाई बाय टू का। ऐसे ही आपके पास जब आप थ्री बाउंड स्टेट देखेंगे वो आपके पास उसकी जो राइट है वो तो आपके पास थ्री मल्टीपल है पाई बाय टू का, और जो उसका लेफ्ट है वो आपके पास टू मल्टीपल है पाई बाय टू का, टू से ऊपर नीचे मल्टीपल करके आप देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास एंड में क्या बनेगा, आपके पास फॉर द एन बाउंड स्टेट आपके पास जो राइट में है वो तो आपके पास एन पाई बाय टू, और जो लेफ्ट में आपके पास एन माइनस पाई बाय टू। आई होप कि आपको ये आर का जो रेंज है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
अब देखिए इसके अंदर एनर्जी देख लेते हैं। अब देखिए जब आपके पास बाउंड स्टेट वन है, ठीक है, तो आपके पास पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर, ये तो सब में कॉमन है, ठीक है, तो इसमें इसको मत देखिएगा आप, ठीक है, जो पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर का जो मल्टीपल है ना उसको देखिएगा, ठीक है, वन है तो वहाँ पर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर का मल्टीपल क्या वन है, और आप नीचे आइए ई टू में तो वहाँ पर आपके पास क्या मल्टीपल है टू का स्क्वायर का मल्टीपल है राइट में, है ना, और लेफ्ट में आपके पास एन माइनस वन का स्क्वायर का मल्टीपल है। ऐसे ही आप थ्री बाउंड स्टेट वाले में देखिए तो वहाँ पर आपके पास ई थ्री का जो राइट में लिमिट है वो आपके पास क्या थ्री का स्क्वायर है, और लेफ्ट में आपके पास टू का स्क्वायर है, एन माइनस वन का स्क्वायर है, मतलब थ्री माइनस वन का स्क्वायर है। जो आपके पास E4 है वो आपके पास राइट रेंज में आपके पास 4 का स्क्वायर है, और लेफ्ट में आपके पास 4 माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास जब आप n स्टेट पर हम पहुंचेंगे, ठीक है, n बाउंड स्टेट पर पहुंचेंगे तो आपके पास कितने होंगे, वो लेफ्ट में तो आपके पास कितना आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर, और राइट में आपके पास कितना आएगा n का स्क्वायर, ओके। अब देखिए अब हमें क्या पता कि n इवन होगा या ऑड होगा, तो देखिए हम दोनों केस लेके चलते हैं, अगर आपके पास n ऑड हुआ तो या फिर n इवन हुआ तो पहले एन ईवन देखते हैं। देखिए आप ऊपर केस देखिए, जब जब आपके पास एन ईवन था, जैसे कि आपके पास ई टू में देखिए, जब आपके पास बाउंड स्टेट टू थी ईवन थी तो आपके पास वो एक आपके पास ईवन स्टेट थी एक ऑड स्टेट थी, जब आपके पास फोर बाउंड स्टेट थी ईवन थी, ठीक है, तो उसका हाफ आपके पास टू ईवन स्टेट थी, आपके पास टू ऑड स्टेट थी। ऐसे जब आपके पास एन ईवन स्टेट होंगी तो आपके पास एन बाई टू ईवन स्टेट होंगी और आपके पास एन बाई टू ऑड ईवन स्टेट्स होंगी, ठीक है। अब देखिए ऑड के बारे में बात करते हैं, जब आपके पास एन ऑड हुआ तो, अगर एन ऑड हुआ तो अब देखिए फर्स्ट में देखिए, जब आपके पास बाउंड स्टेट वन है तो आपके पास इस साइड क्या आ रहा है एन माइनस वन, ठीक है, उस साइड कितना आ रहा है उस साइड बताइए, उस साइड नहीं बन रहा ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपके पास ऑड पैरिटी का ना, जब आपके पास एन बाउंड स्टेट है जैसे वन है आपके पास, उसमें आप कीजिए वन माइनस वन बाई टू, ठीक है, तो आपके पास जीरो आ गया, ठीक है, उधर कीजिए आप वन प्लस वन बाई टू, मतलब कि एन माइनस वन बाई टू और एन प्लस वन बाई टू करना है हमें, ठीक है, तो ऑड के लिए तो हम क्या करेंगे एन माइनस वन बाई टू, और इवन के लिए हम करेंगे एन प्लस वन बाई टू। ऐसे ही हम थ्री में भी चेक कर लेते हैं, ये थ्री में आप ऑड स्टेट देखिए, थ्री में ऑड पैरिटी स्टेट देखिए, उसमें आप क्या करेंगे थ्री माइनस वन बाई टू, ठीक है, तो आपके पास वन आ गया, और इवन में देखिए आप थ्री प्लस वन बाई टू तो टू आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप फिर इसके अंदर भी नोट कर लें ऑड के अंदर, तो एन माइनस वन बाई टू और एन प्लस वन बाई टू, ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया है होप। अब देखिए जो हमारे पास इनफिनिट पोटेंशियल वैल्यू है उसकी जो एनर्जी होती थी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर टू एम एल स्क्वायर, है ना, और जो अभी हमने किया फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू किया उसकी एनर्जी आपके पास इससे कम होगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और शो कर देता हूँ, जो आपके पास एन माइनस वन होगा ये हमने कहाँ से एनालॉजी किया है, ई एन माइनस वन इनफिनिट आपके पास कम होगा इससे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क में आपको दिख रहा होगा एकदम नीचे नीचे एन माइनस वन का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर टू एम एल स्क्वायर इससे कम होगी, ठीक है, और इन दी बिटवीन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर टू एम एल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आप एनालॉजी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने वो चीज़ कंक्लूड की है, तो यहाँ से आप ये चीज़ देखते हैं, ओके। एक फिनाइट पोटेंशियल वेल के लिए आपके पास एक फिनाइट बाउंड स्टेट्स होती हैं, ओके, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे कि एन वन मैंने डॉटेड से शो किया, एन वन लेवल और एन टू लेवल, ठीक है, दो ग्राफ प्लॉट करूँगा मैं, तो देखिए जब आप एन इक्वल टू वन के लिए, ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ बाउंड स्टेट जब आपके पास वन है तब आपके पास इवन पैरिटी स्टेट्स इवन पैरिटी स्टेट वन बनेगी, ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर कोई ऑड पैरिटी स्टेट नहीं है, तो आइए देखते हैं जब इवन पैरिटी स्टेट बनेगी तो आपके पास साई वन ए ई टू पावर के वन एक्स, तो इसमें अंदर साइन बड़ा नहीं आएगा, सी के कॉस के टू एक्स एंड ई टू पावर के वन एक्स, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप जो ग्राफ बन रहा है आपके पास, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा आपके पास वो पहले तो आपके पास कौन सा बनेगा लेस देन माइनस एल बाई टू, ठीक है, लेस देन माइनस एल बाई टू आपके पास उसके अंदर क्या बनेगा डिकेइंग फंक्शन, तो साइड में तो आपके पास माइनस एल बाई टू और प्लस एल बाई टू के साइड में तो डिकेइंग फंक्शन बनेंगे, और उसके जो अंदर बनेगा वो कॉस का फंक्शन बनेगा, ठीक है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है, इवन पैरिटी का, तो वो मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। और इधर आप इनफिनिट पोटेंशियल वैल्यू देखेंगे वो तो आपने बनाया ही था, तो वो आपके पास माइनस एल बाई टू और प्लस एल बाई टू साइड के लेफ्ट और राइट में वो आपके पास वहाँ पर जीरो हो जाता है और इनसाइड ही एग्जिस्ट करता है, तो मैंने आपको शो कर दिया, यहाँ पर मैंने दोनों कंपेयर कर लिया। अब साई टू स्टेट का देखते हैं, साई टू स्टेट में आपके पास इवन पैरिटी भी आ जाएगी और ऑड पैरिटी भी आ जाएगी, जैसे कि आपको पता ही है। अब देखिए जब आपके पास साई टू स्टेट में ए ई टू द पावर के वन एक्स, तो यहाँ पर आपके पास डी साइन के टू एक्स ये हो जाएगा आपके पास, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। अब देखिए इसमें हमारे पास जो हम लास्ट में आपके पास जो ए इवन में आता था वो आपके पास माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो जो आपके पास ग्राफ बनेगा ए इजिक्स टू माइनस एफ होगा इसका, ठीक है, तो एन इजिक्स टू के लिए आपके पास असिमेट्रिक ग्राफ बनेगा, तो हम इसे ऐसे प्लॉट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर टू बाउंड स्टेट बनेगी, एक इवन की एक ऑड की, तो इवन की तो हमने पहले शो कर दी थी और ऑड की आपके पास ये डॉटेड रेड से मैंने शो कर दी है, ओके। तो आइए अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन कर लिए जाए कुछ। देर आर ओनली थ्री बाउंड स्टेट फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास आई मीन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ द फॉर्म शोन इन द फिगर, द डेप्थ वी नॉट ऑफ द पोटेंशियल सेटिस्फाइज, तो क्वेश्चन आपके सामने आप इसे ट्राई कर सकते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ओके। अब तो देखिए जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर हमारे पास, ओके, इसकी जो हाइट है वो आपके पास वी नॉट शो कर रखी है इसने, ठीक है, डेप्थ इसकी वी नॉट है, ठीक है, तो इसने हमसे पूछा है कि ऑप्शंस में आपके पास कौन सा पोटेंशियल सेटिस्फाई करेगा, कौन सी पोटेंशियल की रेंज सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो पोटेंशियल की रेंज निकालने के लिए पहली बात तो इसने हमें कहा है कि थ्री बाउंड स्टेट्स हैं, थ्री बाउंड स्टेट्स आपके पास किस में आती थी आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको फाइव तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपके पास पाई से लेकर कहाँ तक आती थी, पाई इक्वल्स टू थ्री पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ तक आती थी आपके पास, और आर हम जानते हैं कि पोटेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आर इक्वल्स टू एम वी नॉट ए स्क्वायर ओवर टू एच का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है, तो ये आप सब्सिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो आप सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो इसको पहले कर लीजिए पाई स्क्वायर ताकि इजी हो जाए हमारे लिए,
थ्री नाइन पाई स्क्वेयर ओवर फोर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे, पाई स्क्वेयर एम वी नॉट ए स्क्वेयर ओवर टू एच कट स्क्वेयर नाइन पाई स्क्वेयर बाई फोर। तो अब बस वी नॉट के लिए सेग्रीगेट कर दीजिए सबको, तो ये उधर चल जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, ये फोर है इधर और टू एच कट स्क्वेयर ओवर एम ए स्क्वेयर। ओके, तो देखिए आपके पास रेंज कितनी आ गई है। हाँ जी, ये आपके पास टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टू और नाइन बाई टू, ठीक है। तो देखिए कहां पर आ रहा है आपके पास, हाँ जी, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपके पास बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, CSIR जून 2012, ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज इन पोटेंशियल। तो आपको देख दे रखिए आपके पास पोटेंशियल कैसा है, आपके पास देखिए एक्स लेस देन जीरो आपके पास इनफिनिट है, और बिटवीन एक्स जीरो टू एल आपके पास माइनस वी नॉट है, और एक्स ग्रेटर देन एल आपके पास जीरो है। इफ देर इज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट द मिनिमम डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए जो हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए हैं उसी की हूबहू स्टाइल में चलेगा ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो इससे पहले आपको डायग्राम बताना चाहिए डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पर तो आपके पास एट एक्स लेस देन जीरो आपके पास क्या है, इन्फिनिट चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक्स जीरो टू एल आपके पास कितना चलता है, माइनस वी नोट। मैं ये रेंज देता हूँ, आपके पास ये जीरो है, जीरो की रेंज आई है, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस वी नोट चलता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास इफ देर इज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट द मिनिमम डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल हमें फाइंड करनी है, तो उससे पहले हम वेव फंक्शन बना लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एनर्जी का लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पर तो वेव फंक्शन जीरो होगा, तो यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, फर्स्ट रीजन हमारा ये होगा और सेकंड रीजन हमारा ये होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में आपके पास वेव फंक्शन कैसा होगा, साइनसोइडल होगा, ठीक है। साई वन इज इक्वल टू ए साइन के वन एक्स प्लस बी साइन के टू, ए साइन के प्लस बी कॉस के टू एक्स। ओके, तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों नहीं लिखी है मैंने, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम ये सब कुछ पहले कर चुके हैं, चलो फिर भी अगर कोई नया स्टूडेंट है इधर तो मैं उसके लिए कर देता हूँ। एक्स प्लस टू एम बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स जीरो। अब एनर्जी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास नेगेटिव है और पोटेंशियल ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वी माइनस ई, तो के है, के स्क्वायर की टर्म हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और के स्क्वायर की टर्म हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। तो आपके पास वेव फंक्शन या तो ये लिख लीजिए आप, या फिर ये भी लिख सकते हैं साई वन जो यहाँ पर बनेगा ए कॉस के एक्स, ए कॉस के वन एक्स प्लस बी साइन के वन एक्स, ठीक है। और के वन यहाँ पर कितना है हमारे पास, के वन हमारे पास है इधर 2m v माइनस ई बाई एच कट स्क्वायर। ओके, तो इतना आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपके पास इस पार्ट में वेव फंक्शन कैसा होगा। देखिए अब यहाँ पर आपके पास एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिकेइंग फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं करूँगा मैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ v जीरो करना है आपने, ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर आपको जीरो करना है और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो देखिए आपके पास वेव फंक्शन कैसा आएगा, ये आपके पास सी ई टू द पावर माइनस के टू एक्स, और यहाँ पर आपके पास के टू कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास कैसे है, के टू आपके पास आ जाएगा 2me बाई एच कट स्क्वेयर नेगेटिव में, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपके पास ये, ओके, तो ये चीज़ आ जाएंगी आपके पास। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन से ही हम निकाल सकते हैं कि आपके पास एटलीस्ट एट वन बाउंड स्टेट व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल। तो एट बाउंड स्टेट आपके पास देखिए इस साइड तो आपके पास वेव फंक्शन जीरो है, तो इस साइड आपके पास ये चीज़ तो होगी ना, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो द वेव फंक्शन इज जीरो, ओके, पोटेंशियल इज इनफिनिट। तो यहाँ पर आप ये पुट कीजिए, तो आपके पास कॉस जीरो वन, तो ए साइन जीरो जीरो, तो ए इज इक्वल टू जीरो आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ए जीरो चलेगा, तो जिसकी वजह से आपके पास जो वेव फंक्शन अब निकल के आएगा, आपके पास वेव फंक्शन जो आपके पास बन रहे हैं वो आपके पास बनेगा बी साइन के वन एक्स, ठीक है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो अब देखिए इस साइड की लिमिट पुट करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू एल साई वन एट एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू साई टू एट एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, तो साई वन, तो साई वन देखिए आपके पास कितना है, साई वन आपके पास ये है, तो आप हम ये पुट करते हैं बी साइन के वन एल इज इक्वल टू साई टू, साई टू आपके पास इतना है, तो सी ई टू द पावर माइनस के के टू एल, ठीक है, के टू आपके पास इतना है, के टू कर लीजिए इसे, ठीक है, के टू एल। ओके, तो आपके पास ये बन रहा है। अब इसका डेरिवेटिव का भी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, डी साई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल एंड डी साई टू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो साई वन आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए बी के वन कॉस के वन एल, ठीक है, और इस साइड आपके पास आएगा माइनस के टू सी ई टू द पावर माइनस के टू एल। ओके, तो लिमिट्स भी मैंने पुट कर दी, एक्स इज टू एल एंड एक्स इज टू एल, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, के टू इज इक्वल्स टू, ठीक है, टू बाय वन कर दीजिए, इसको टू ले लीजिए, इसको वन ले लीजिए, ठीक है। तो के टू इज इक्वल्स टू माइनस के वन कॉट कॉट के वन एल। ओके, तो देखिए इसकी स्केलिंग कर लीजिए आप, ठीक है, तो सारी टर्म को आप एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल के टू माइनस एल के वन कॉट के वन एल, ठीक है। तो देखिए एल के टू को हम ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा कॉट बीटा, ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। अब देखिए अब जो आपके पास अल्फा और बीटा है, ठीक है,
तो उसको हम ये भी करते थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर, ठीक है, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा हमने क्या लिया था, एल के वन एल के टू, और बीटा हमने क्या लिया था, एल के वन, तो एल स्क्वायर के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर। ओके, अब के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर कितना था, के वन स्क्वायर हमारे पास था टू एम वी ई माइनस ई एच स्क्वायर, तो टू एम वी माइनस ई बाय एच स्क्वायर, और के टू स्क्वायर था आपके पास टू एम माइनस टू एम ई बाय एच स्क्वायर, तो माइनस टू एम ई बाय एच स्क्वायर, और बाहर इसके एल स्क्वायर चल ही रहा है, ये एल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, कट ही नहीं रहा ये, तो एक मिनट मुझे वापस ऊपर देखना पड़ेगा। जो हमने के टू स्क्वायर माइनस टू एम ई बाय एच स्क्वायर निकाला था, लगता है इसकी भी श्रोडिंगर इक्वेशन मुझे लिखनी पड़ेगी, टू एम बाय एच स्क्वायर, तो आपके पास कितना पड़ेगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई बाय एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, और ई हमारे पास नेगेटिव, तो के स्क्वायर की टर्म ये बनती है, तभी तो आपके पास ये वेव फंक्शन आएगा, ठीक है सही है, नहीं तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, आई एम सॉरी, तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर दीजिए, ओके, और ये आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर ई से ई कैंसिल, टू एम वी बाय एच कट स्क्वायर, ओके, इतना आ जाएगा आपके पास ये, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, इसको हम आर स्क्वायर के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, रेडी। तो अब देखिए, जो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है, जो हमारी मेन है, और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास मेन है वो आपके पास ये बन गई है, ठीक है, अल्फा और बीटा के टर्म्स में, तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे अल्फा और बीटा में बनेगा, अल्फा और ये बीटा, ठीक है, तो अब देखिए कॉट बीटा का बनाएंगे आप, जीरो से पाई बाय टू, ठीक है, पाई बाय टू टू पाई एंड पाई टू आपके पास थ्री पाई बाय टू, ठीक है, अब कॉट का ग्राफ आपके पास कहां तक बनता है, पाई बाय टू से शुरू होता है, ये पाई बाय टू से शुरू होता है, ठीक है, पाई पे इन्फिनिट चल जाएगा ये, और यहां फिर यहां से शुरू होगा, तो अगर हमको अगर एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट चाहिए, तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए पाई बाय टू से पाई के बीच में, ओके, आपके पास रेंज कैसी होनी चाहिए, रेंज पाई बाय टू से लेकर पाई तक होनी चाहिए, ओके, तो मिनिमम रेंज उसने पूछी, एटलीस्ट आपके पास जो सर्कल आपके पास बनेगा इस चीज का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ठीक है, तो आर मिनिमम इज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है, उसने हमसे पोटेंशियल पूछा, और हम जानते हैं कि आर का हमारे पास पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, एम टू एम वी बाय टू एम वी एल स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टू एम वी मिनिमम एल स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, ओके, देखिए आर मिनिमम आर का स्क्वायर कर दीजिए, यहां पर पाई स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा यहां पर भी, ठीक है, तभी इसके बराबर आएगा, सॉरी है ना, तो यहाँ से वी मिनिमम निकाल लीजिए, वी मिनिमम कितना आएगा आपके पास, देखिए ये इधर चला जाएगा आपके पास वी मिनिमम पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एट एम एल स्क्वायर, तो इतना बन रहा है आपके पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एट एम एल स्क्वायर, तो आपके पास ये ए ऑप्शन से मैच करता है ये, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन साइड वन डी पोटेंशियल वेल, वी ऑफ एक्स इज एट मोड एक्स लेस देन इक्वल टू एल बाय टू इज इक्वल जीरो and otherwise is equals to v, okay, the particle is in the ground state that satisfies the condition at x is equals to 0 psi is equals to 0 and at x is equals to l by 4 psi is equals to root 3 a by 2, okay, the value of wave function at x is equals to l by 2 and the value of state energy is, to hume ye sab kuch find karna hai, to pehle hum iska diagram bana lete hain, dekhiye diagram kaisa hai iska, hume kya rakha hai usne, mod x l by 2 aapke paas ye 0 aa raha hai, theek hai, aur otherwise wo v hai, to aapke paas ye 0 aata hai, to 0 ki hum ye le lete hain, ये आपके पास यहाँ पर तो जीरो बन रहा है, पोटेंशियली आपके पास जीरो का माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, अदरवाइज वो आपके पास कितना है, वी नॉट है, वी है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर वी हो गया, ठीक है, अदरवाइज तो इस साइड में आपके पास इतना बनेगा, तो देखिए इसका वेव फंक्शन कैसा बनेगा, उसने हमें कह रखा वैसे पहले तो वैल्यू वेव फंक्शन एट एक्स इज ट्वेल्व बाई टू, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास अगर एनर्जी हम ये लेते हैं, एनर्जी का डायग्राम ये लेते हैं, तो ई इज ग्रेटर देन वी, ठीक है, अगर ई इज ग्रेटर देन वी हमें यहाँ पर चेक करना है, तो आपके पास यहाँ पर कैसा वेव फंक्शन बनेगा, यहाँ पर साइनसोइडल बनेगा, तो यहाँ पर का मैं लिख लेता हूँ सिर्फ, क्योंकि हमें चाहिए भी यहीं का ही वैसे भी, क्योंकि एट एक्स इज ट्वेल्व बाई टू हमारे पास वेव फंक्शन पूछ रहा है, तो ए कॉस के वन एक्स प्लस बी साइन के वन एक्स, ओके, उससे पहले हमें इसने कंडीशन दे रखी है एक्स इक्वल जीरो साइन इक्वल जीरो, तो एक्स जीरो जब आप इसके यहाँ पर करेंगे कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो साइन जीरो, तो ए यहाँ से जीरो आ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास वेव फंक्शन निकल कर आता है बी साइन के वन एक्स, ओके, दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है एक्स इक्वल ट्वेल्व बाय फोर, एक्स इक्वल ट्वेल्व बाय फोर आपके पास साइन कितना है रूट थ्री बाय टू ए, ओके, बी साइन के वन एक्स कितना है हमें एल बाय फोर, तो एल बाय फोर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, अब देखिए आपको ये ए दिख रहा होगा, ठीक है, अब हमने तो ए इक्वल टू जीरो लिया था, ठीक है, ए हमने जीरो कंक्लूड किया था यहाँ से, ठीक है, तो हमें यहाँ पर नोटेशन चेंज करने की जरूरत है, ठीक है, तो हम ए को जीरो नहीं ले सकते यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बी कर देते हैं, बी और ऐसे ए कर देते हैं, ठीक है, बी और ए ऐसे कर देते हैं इनको, ताकि ये चीज़ खराब ना हो, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये बी इक्वल टू जीरो कंक्लूड होता है, और ये आपके पास ए बन जाएगी चीज, ओके, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया है, देखिए ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट थ्री बाई टू आपके पास वैल्यू कब होती है, तो रूट थ्री बाई टू आपके पास वैल्यू होती है साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, तो पाई बाई थ्री साइन पाई बाई थ्री, ओके,
साइन 60√3/2, यहाँ से आपके पास K1 की वैल्यू कितनी आएगी, K1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4π/3L। ओके, अब देखिए, अब वेव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन K1x था, ए साइन K1 4π/3L x। ओके, अब हमें उसने हमें पूछा है कि द वेव वैल्यू वेव फंक्शन एट x इज इक्वल टू L/2, तो L/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 sin a sin 4π/3L x इज इक्वल टू L/2। ओके, तो ये वेव फंक्शन कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 4, एल से एल कैंसिल, 2π/3, ए साइन 2π/3, ए साइन 2π/3 को हम तोड़ लेते हैं, ए साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, पाई बाय थ्री आ जाएगा वापस से, पाई माइनस पाई बाय थ्री जा रहे हैं, साइन का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा √3/2a। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द स्टेट एनर्जी इज, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द स्टेट एनर्जी इज, देखिए अब यहाँ पर जो K1 था तो यहाँ पर तो पोटेंशियल जीरो था, तो आपके पास K1 कितना था, 2ME/h², तो यहाँ से E कितना आ जाएगा, E आ जाएगा आपके पास h²k²/2m। ओके, तो h²² तो / 2m, और K आपके पास कितना आया था, K1² आपके पास 4π/16π²/9L². ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 8π²h²/9ml². तो एनर्जी इतनी आ जाएगी। अब देखिए, अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दूं तो आपके पास ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू 0 साई इक्वल्स टू a कर दूं अगर मैं, ठीक है, तो अब आप बताइए, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा एक हिसाब से, तो अब आप बताइए ये सारा प्रोसीजर करके कि आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है, ओके, सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, ओके, यस, तो आप आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। तो वेव फंक्शन तो आपके पास देखिए, इनसाइड द पोटेंशियल बॉक्स आपके पास कितना बना होगा, b cos k1x + a sin k1x। ओके, अब हमें क्या दिया था, एट x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू a, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos 0 1 तो b। ओके, यहाँ पर आपके पास a था, तो यहाँ से आपके पास a इक्वल टू b आ गया, ठीक है, तो a इक्वल टू b आ गया हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो वेव फंक्शन होगा वो आपके पास कितना होगा, a cos k1x। ओके, क्योंकि ये पार्ट जो हमने देखिए, ये जब पार्ट हमने पुट किया, ठीक है, तो इसमें आपके पास ये तो जीरो ही हो गया, और a आपके पास जीरो हो नहीं सकता, तो आपके पास ये पार्ट ही जीरो होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वेव फंक्शन क्या आया था, एट x इक्वल टू L/2, x इक्वल टू L/2, आपके पास वेव फंक्शन आ जाएगा a cos k1 L/2। ओके, पर अभी हमें k1 चाहिए, तो हम दूसरी कंडीशन भी लगा लेते हैं, एट x इक्वल टू L/4 वाली, x इक्वल टू L/4, साई इक्वल टू √3a/2। देखिए, वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, साई एट x इक्वल टू L/4। ओके, तो ये कितनी आ जाएगी, a cos k1 L/4। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है, आपके पास √3a/2। ओके, तो ए से तो ये कैंसिल, और ये √3a/2 आपके पास कब आता है, जब कॉस आपके पास कितना होता है, π/6, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास cos 30। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, K1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 × 2 × 3 × 6 2π/3L। ओके, 2π/3L आ गई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे, तो आपके पास a cos K1 2π/3L L/2, L से L कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos आपके पास कितना आ गया, 60, cos 60 आपके पास हाफ, तो a/2 आ गया आपके पास। ओके, और अगर आपको यहाँ पर एनर्जी फाइंड करनी है, तो आपके पास फॉर्मूला है h²k²/2m, है ना, तो h²/2m, k² की वैल्यू पुट कर दीजिए, k² की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, k² की वैल्यू थी आपके पास यहाँ पर, ये रही 2π/3, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, एनर्जी आ जाएगी आपके पास, सिंपल। ओके, अब आप एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, ये आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने जरूर ट्राई करना है, ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बिना पेन पेपर के हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो, जस्ट 2014 में आ रखा है, देखिए, कंसीडर ए स्क्वायर वेल ऑफ डेप्थ माइनस वी नॉट एंड विड्थ ए विद वी नॉट ए फिक्स्ड, लेट वी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड ए टेंड्स टू जीरो, द पोटेंशियल वेल हैज़, तो ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, अपना आंसर सोच लीजिए, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेप्थ माइनस वी नॉट दे रखी है, अब देखिए डेप्थ आपके पास माइनस वी नॉट है, और उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि अगर आपके पास वी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, वी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी होने का ये मतलब है आपके पास, और विड्थ आपके पास उसके अंदर टेंड्स टू जीरो हो जाती है, ठीक है, विड्थ यहाँ पर टेंड्स टू जीरो हो रही है और वी नॉट आपके पास टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास वो पोटेंशियल ड्राग डेल्टा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वो ड्राग डेल्टा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है तो पोटेंशियल हैज़ तो कितनी स्टेट्स हो सकती है, तो देखिए हमने ये ड्राइव किया था कि आपके पास उसके सिंगल स्टेट आती है, तो वन बाउंड स्टेट, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस।